ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी बढ़ चुका है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लगी मंडियों में ऊँट भी फरोख्त के लिए लाए गए हैं। व्यापारियों ने खरीदारों की दिलचस्पी के लिए ऊँटों पर सुर्ख और स्याह रंग की मेहंदी से मुख्तलिफ डिज़ाइन भी बना रखे हैं। ऊँट बहुत खूबसूरत है, हम खरीदने के लिए आए हैं। किसी ने मेहंदी लगा रखी है, किसी ने वो काली सफ़ेद लाल मेहंदी लगा रखी है, बहुत खूबसूरत ऊँट है। मुल्तान में नागशाह के करीब मवेशी मंडी में सिंधी, कोयटा, रहीम यार खान और डेरा इस्माइल खान से बड़ी तादाद में ऊँट लाए गए हैं। ऊँट मालकान का कहना है कि रवां बरस ऊँट की कीमत 3 लाख रुपए से शुरू होकर 4 लाख रुपए तक में फरोख्त कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इधर आते हैं क्योंकि ये ऊँट के लिए कुर्बानी के लिए हम लोग वहाँ कोयटा से आए हुए, बड़े शुक्रिया। और ऊँट जो होते हैं वो सवाब और जितना भी कीमती चीज़ हो, ईद कुर्बानी जो है वो ज़्यादा पैसों वाले जो होते हैं उससे ज़्यादा मज़े करते हैं। मवेशी मंडियों में लाए गए मेहंदी लगे ऊँट शहरियों की भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मुल्तान की मवेशी मंडी के अंदर लाए गए सिंधी ऊँट खूबसूरती की मिसाल आप हैं। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ राणा तनवीर रसूल, मुल्तान।